हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल लेट्स मेक इट। मैं हूं विनीता और आज मैं आपके साथ ये स्लिपर शेयर करने वाली हूं। ये मैंने फेल्ट फैब्रिक से बनाया है और आप इसे फलानिंग के कपड़े से भी बना सकते हो और ओल्ड स्वेटर से भी बना सकते हो, शॉल से भी बना सकते हो या फिर कॉटन फैब्रिक से भी बना सकते हो। ये भी मैंने पूरा कम्प्लीट नहीं किया है। चलिए इसे बनाना शुरू करते हैं। पहले हम अपने पैर का साइज लेंगे। ये जो हमारा पैर का साइज है, हमें पेपर पे अपना पैर रखना है और फिर उसके बाद स्केच से उसे ड्रॉ कर लेना है। ये नीचे का पार्ट है सोल का और ये ऊपर का पार्ट है। यहाँ से हमें स्केच से ड्रॉ कर लेना है। स्केच से ड्रॉ करने के बाद हमें इसमें आधा आधा इंच बढ़ा कर लेना है। आधा इंच ऊपर के पार्ट में भी और आधा इंच नीचे के पार्ट में भी। और ये हमारे पीसेस कट गए हैं। मैं इसमें फोम शीट नहीं लगा रही हूँ, आप चाहो तो इसमें फोम शीट लगा सकते हो। अगर आपका कपड़ा पतला है तो आप इसमें फोम शीट लगा सकते हो। स्वेटर से अगर आप बना रहे हो पुराने स्वेटर से या शॉल से, तो शॉल और स्वेटर थोड़े से मोटे होते हैं तो उसमें आपको फोम शीट लगाने की ज़रूरत नहीं है। ये मैं फलालिन के कपड़े से बना रही हूँ। ये इसकी मैंने ऊपर के दो पार्ट लिए हैं और नीचे के दो पार्ट लिए हैं। ये आधा आधा इंच बड़े हुए पार्ट है और ये हमारा ये वाला पार्ट है। ये 11 इंच का है, ये बनेगा 10.5 इंच पे। ये आधा इंच ज्यादा लिया है मैंने, इसे आप खींच लेंगे हल्का सा। ये 11 इंच का है और ये 1.5 इंच की पाइपिंग है। तो चलिए इसे बनाते हैं, इसे साइड में रखते हैं। अब हमें ऊपर के जो पार्ट है उसे लेना है और ये जो हमारे पैरों पे आएगा ये वो वाला पार्ट है। तो हमें अपने एक फेल्ट फैब्रिक को लेना है ये वाला पार्ट ऊपर रहेगा और ये वाला पार्ट नीचे रहेगा। इस पे इसको ऐसे मैं इस पे सिलाई लगाऊंगी। और इसको ऐसे ऐसे घुमाना है और इसको इस कॉर्नर यहाँ पर लगाना है। तो ये यहाँ से हमें सिलाई लगानी है यहाँ तक की पूरी। इसके ऊपर दोनों को ये दोनों को ऊपर और नीचे के पार्ट को इकट्ठा रख के हमको सिलाई लगानी है। यहाँ से मैं सिलाई लगा दूंगी यहाँ तक की। यहाँ से जब हमारी सिलाई लग जाएगी तो मैं यहाँ से इसको पूरा राउंड करके सिलाई लगा दूंगी। तो मैं इसको सिलके पर लाती हूँ। ये देखिए फ्रेंड्स, मैंने इसमें दोनों में सिलाई लगा दी है, इसमें भी और इस पे भी। मैंने आपको इसका लेंथ मेजर कर दी थी, ये 11 इंच का है, लेकिन मैंने इसका चौड़ाई मेजर नहीं की थी। ये
दो से ढाई इंच की। अगर आपको इसकी चौड़ाई ज़्यादा चाहिए तो ये यहाँ तक आ जाएगा, मतलब अगर आप इसकी चौड़ाई थोड़ा सा बढ़ा के लेंगे तो ये यहाँ तक आएगा पूरा ऐसे ज्वाइन हो के, ये 2.5 इंच का है, ये 2.5 इंच का है, तो ये आधा इंच सिलाई पे दब जाएगा तो ये 2 इंच का बचेगा। तो ये काफ़ी छोटा है, अगर आप चाहो, मेरे पास उतना फैब्रिक नहीं था इसलिए मैंने इसको 2 इंच का रखा है, अगर आप चाहो तो इससे बढ़ा के बनाओगे तो ये यहाँ तक ही आएगा पूरा, ये ऐसा जुड़ के आएगा तो आपके पैर पे ये फंसा रहेगा। जैसे मेरे पैर पे ये थोड़ा सा नीचे जाता है, ये छोटा साइज है, अगर आप थोड़ा सा फैब्रिक बढ़ा के लोगे तो यहाँ से पूरा कवर हो जाएगा। अब हमें इसको इसके साथ जोड़ना है, तो हम पहले इसका सेंटर ले लेंगे, और ये हमारे इसका सेंटर है, तो यहाँ और यहाँ आप निशान लगा ले, तो सेंटर से सेंटर आप इसको रखें, और अगर आप मशीन करना चाहते हैं तो आप मशीन कर लें, अगर आप हाथ से करना चाहते हो तो आप हाथ से कर लो। मैं इसे पहले कच्चा करूँगी, फिर उसके बाद मैं इस पर मशीन कर लूँगी, ये मैं इस पे कच्ची सिलाई कर रही हूँ, फिर मैं इस पे सिलाई कर दूंगी। तो अगर आपको ऐसा लगता है कि जैसे कि हमारा ऊपर का पार्ट थोड़ा सा बड़ा हो गया है, तो आप इससे सोन को हल्का सा खींचेंगे, हल्का सा, तो ये इस पे जुड़ जाएगा पूरा। जब मैं इस पे पूरी सिलाई लगा दूंगी, सिलाई लगाने के बाद मैं यहाँ से पाइपिंग लगाऊंगी इसकी, तो मुझे यहाँ से आधा इंच, और ये मेरी पाइपिंग है, तो मैं इसको ऐसे रखूँगी और यहाँ से सिलाई लगा दूँगी इसमें। यहाँ से मैं इसको पूरी सिलाई लगा दूँगी, मैंने इसे पूरा सिलाई लगा लिया है, ये देखिए मैंने इस पर पाइपिंग भी जोड़ दी है और ये सोल भी जोड़ दिया है, ये पाइपिंग है। हमें इसे यहां से ऐसे सिल के, इसे ऐसे फोल्ड करके इस पे वो करना है, यहां से हम सिलाई लगाएंगे। जैसे मैंने आपको अपने ये वाले, ये मैंने ओपन करके रखा था इसलिए रखा था कि मैं आपको दिखा सकूँ, यहाँ पे थोड़ा सा टाइम लगेगा आपको इसको सिलने में, मैं इसको सिल के दिखाती हूँ आपको। आप इसे इसके ऊपर जहाँ से हमने सिलाई लगाई है, आप उसके ऊपर से ही इस पाइपिंग को फोल्ड करें, अगर आप इसको यहाँ से फोल्ड करके सिलोगे तो ये आपको पैर पे गड़ेगा, तो इसलिए आप इसको इसकी जो सिलाई है उसी के ऊपर से इसको सिले। अगर आपका कपड़ा मोटा है तो आप उसे मशीन पे नहीं सिल पाओगे, तो आप उसे हाथ से सिलो। ये हमारा स्लीपर तैयार हो गया है, ये मैंने बना के रखा था और ये मैंने अभी बनाया नहीं है, मैं इसको बनाऊंगी।
अब चाहो तो आप इसमें जिगजैग स्टिच भी कर सकते हो। पहले आप इस पे जिगजैग स्टिच कर लो, फिर इसके बाद इसको स्टिचिंग करो, तो ये और सुंदर दिखेगा। ये 1.5 इंच की पाइपिंग है, तो हम इसे ऐसे करके सिलेंगे, ऐसे। तब ये थोड़ा सा उभरा हुआ दिखेगा, ये ऐसा। मैंने इसे अभी कंप्लीट नहीं किया है, बाद में मैं इसे कंप्लीट करूंगी। ये हमारा स्लीपर तैयार हो गया है। अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं मुझे कि आपको मेरा ये स्लीपर कैसा लगा। थैंक यू।